कैप्टन रसल सिंह, तुम्हें पता है तुमने मिशन को कैसे लीड किया है? सर वहाँ के हालात ऐसे थे कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। क्या तुम कुछ नहीं कर पाए? अगर तुम एक और गलती कर देते तो हमारे 10 जवानों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता था। सर मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सॉरी सर। सर वहां जो कुछ भी हुआ हो मगर हम मिशन में तो कामयाब हो गए ना। रोशन सिंह, सॉरी सर। सर आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, फिर भी आपको डांट सुननी पड़ी। अरे कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है। आप यार मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सर जी आप ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ जी सर। सर जी, सर जी, सर जी, कहाँ खो रहे हो? बस ऐसे ही मिशन के बारे में सोच रहा था यार। पर सर जी हमने तो मिशन जीत लिया ना। हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर सर जी आज तो मेजर साहब ने रोशन सर की वाट लगा दी। जो मैंने सोचा था आज वही हुआ। सर जी फिर तो उसे जल्दी लीडरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ जय सिंह, जल्दी उसका प्रमोशन कर देंगे। पर साहब जी एक ना एक दिन तो पता चलना ही है सच्चाई का मेजर साहब को। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई क्या है मैं अपना करते हुए पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। हाँ ये बात तो सही है सर जी। और आप घर भी जा रहे थे, आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? हाँ अप्लाई तो किया था, 2 महीने हो गए अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया छुट्टी का। सर जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सोच लो, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? हाँ गुस्सा नहीं करूँगा, पूछो। सर जी आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी लव स्टोरी शुरू हुई थी, मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी और मेरा ट्रेनिंग सेशन चालू था। तो जब मैं सुबह सुबह वर्कआउट पे जाता था तो वो भी आती थी। अरे आपके लगी तो नहीं? ठीक तो हो ना आप? नहीं नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आप एक बात बताओ मुझे, मैं एक दो रोज से नोटिस कर रहा हूँ आप मुझे देखते ही हंसने लगते हो। फिर से हंसने लगे, मेरे में से क्या दिख रहा है आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आपके नंबर मिल सकते हैं? नंबर? हाँ क्यों नहीं। आपने नंबर तो दे दिए, फिर आगे क्या हुआ सर जी? आगे क्या होना था, जो होना था वही हुआ। बताओ क्या अर्जेंट काम था? वो मैं तुमको पसंद करती हूँ। मैंने उस दिन जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अच्छा तो मेरे में ऐसा आपको क्या दिखा कि आपको देखते ही प्यार हो गया? वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। अब आप बताएं। अब मैं क्या बताऊँ, मेरी तरफ से भी हाँ है मगर आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं जब तक आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ। फिर क्या आपका इंतजार किया उसने? ये ले उसी का फोन आ गया, एक मिनट में बात करके आता हूँ ना। हेलो, आप कब आ रहे हो? हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। सच्ची? फिर तो मैं घर जल्दी आऊंगा। सर सर सर
आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। तुम चलो मैं आता हूँ। जी सर। हेलो ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है। जवानो मैं तुम्हें आज ऐसे मिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें हमें हर हाल में कामयाब होना है। यस सर। और इस मिशन को लीड करने वाले हैं कैप्टन दीपक सिंह। कैप्टन रोशन सिंह। जी सर। कैप्टन अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो चुकी है। सर मेरी यहाँ दिस इज माय ऑर्डर, दैट्स क्लियर। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद।